वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आज है सैटरडे और हम लोग बस घर के काम में बिज़ी हैं थोड़ा। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे अपना काम बढ़ा लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइज, आज पूरी बैल्कनी को ऑर्गेनाइज़ करना है क्योंकि काफ़ी मेसअप हो चुका था। और साथ में ही मुझे अभी यहाँ पे पूरा अपना ये बुक शेल्फ क्लीन करना है अच्छे से। काफ़ी सारे बुक्स हैं तो मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ और काफ़ी गंदा हो गया है यहाँ पे भी। और साथ में ये टीवी यूनिट को भी मैं क्लीन करूँगी। और गाइस, कामना किचन में है, ब्रेकफास्ट बनाने जा रही है। तो आज भी फिर से बन रहा है पोहा क्योंकि वो इजी एंड क्विक है, तो इसलिए कामना बना देगी पोहा। और गाइस, मैं सोच रही हूँ कि उस बैलकनी का तो कर ही रही हूँ सब ठीक, इस बैलकनी में भी सब ठीक कर लेती हूँ। ये भी काफ़ी ज़्यादा मेस्टअप हो गया है तो ऑफ़िस की वजह से हो नहीं पाता है क्योंकि दिन भर फिर ऑफ़िस में बिज़ी हो जाते हैं। और ये है मौसम, ठीक ठाक है, ठंडा है। तो मिलती हूँ गाइस मैं आपको थोड़ी देर में। मुझे इतने सारे काम निपटाने थे और अब ये देखो बारिश शुरू हो गई है। रोज़ नहीं होती थी बारिश, आज स्टार्ट हो गई है। तो जब तक बारिश हो रही है मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और बहुत अच्छा हो गया मौसम, अब तो कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है पर आज करना ही पड़ेगा। और ये देखिए बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है। तो गाइस, ये है मेरा बैल्कनी जो कि मैंने क्लीन कर दिया है फाइनली, हल्की हल्की बारिश में भीगते हुए कर ही लिया। तो अब काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से और जगह भी हो गई है काफ़ी बैठने के लिए। बैल्कनी तो क्लीन हो गई है तो अब सोच रही हूँ ये बॉटल्स भी कट करके इसमें प्लांट लगा देती हूँ आज। तो इसको मैं कट करूँगी, मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं पुराने पानी के बॉटल्स, तो इनको आप नाइफ़ से या फिर सीजर्स के हेल्प से कट कर सकते हो। नाइफ़ को गर्म करके अगर कट करोगे तो ईज़िली हो जाएगा। और ये वाला थोड़ा सॉफ्ट है बॉटल तो ये हो गया ईज़िली कट। तो मैं इसको अच्छे से कट करके इसमें लगा दूँगी कुछ प्लांट्स, देखती हूँ कौन से लगाती हूँ। रोज़ नए ख़रीद के लाई थी तो वही लगाऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। तो ये लगा दिया है मैंने दोनों प्लांट्स, ये दोनों रोज़ के प्लांट्स जो मैं लेके आई थी दोनों ही लगा दिए मैंने इस खाली बॉटल में। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इसको आप प्लांटर बना के यूज़ कर सकते हो, इसका पेंट भी कर सकते हो। तो मैंने अभी किया नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो ऐसे कर दिया। बाद में भी मैं इसको कर सकती हूँ। तो इसमें काफ़ी अच्छा ये ग्रो करता है। रेड वाला तो काफ़ी अच्छे से खिल भी रहा है लेकिन ये येल्लो वाला, इसका फ्लावर्स गिर गए दोनों। कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। उसके बगल में भी जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये भी बॉटल ही है प्लास्टिक का, तो इसको मैंने कट करके बनाया और पेंट कर दिया। तो काफ़ी छोटा था ये प्लांट पाम का, अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में है DIY एक दो, तो आप देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है होम डेकोर से रिलेटेड। और मेरे इंस्टाग्राम में अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी काफ़ी सारे हैं DIY होम डेकोर से रिलेटेड। गाइस, कामना के पास कोई काम नहीं है तो वो बैठ के देख रही है किसी का भाई किसी की जान। कैसी लग रही है कामना? वो भी स्टार्ट हुई है। वेलकम बैक गाइस। तो अभी बज रहे शाम के 7 और मैं सो गई थी काफ़ी देर तक क्योंकि बहुत थक गई थी, आज बहुत सारा काम कर लिया। तो अभी बस बैठी हूँ और लाइट नहीं आ रही है काफ़ी देर से क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे और सुबह से ही हो रही है बारिश। तो एक दो घंटे हो गए और लाइट भी नहीं आ रही है गाइस। तो हम लोग बस ऐसे ही बैठे हैं। मम्मी कर रही हैं शाम के पूजा की तैयारी और क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही है तो आज थोड़ा सा जल्दी पूजा कर रही हैं क्योंकि फिर एकदम अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी जला रही हैं दिया, तो एक मंदिर में लगेगा और एक लगेगा घर के मेन डोर पे बाहर। तो गाइस, ये है मेरा छोटा सा मंदिर, प्यारा सा। मम्मी कर रही है पूजा
और फिर मैं भी शाम को धूप चलाऊंगी। तो ये है मेरा धूपदानी, ये मुझे गिफ्ट में मिला था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। काफ़ी अच्छा है ये, और ये छोटे छोटे कप्स हैं धूप वाले, तो इसमें काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। इसको आप रख दो लगा के थोड़ी देर के लिए, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी लगता है। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। हाय गाइस, तो मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ क्विक, जिसको हम बोलते हैं, पता नहीं इस रेसिपी का क्या नाम है, बट ये बहुत ईजिली बन जाता है। तो ये मेरे पास रखा था राइस, और ये है पीनट, सॉल्ट, हींग, आपको चाहिए थोड़ा सा इसमें प्याज, कड़ी पत्ता, चॉप्ड धनिया, मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और कुछ मसाले। बस झटपट ये तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, और ऑयल में अब डाल दूँगी मैं ये पीनट्स, और इनको अच्छे से भून लूँगी। तो गाइस पीनट्स भून चुके हैं, अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, और कड़ी पत्ते और मिर्च, और ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी हल्का सा हींग। तो गाइस ये तड़का वाला खुशबू आ गया है, तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी सारे अनियंस, और अनियंस को मैं अच्छे से भूजूँगी। आपको अच्छे से इसको भूनना है, थोड़े से रेड हो जाए, उसके बाद आपको कुछ डालना है इसमें। तो गाइस आप देख सकते हो प्याज अच्छे से भून गया है, सब कलर और टेक्सचर देख सकते हो, बहुत ज़्यादा काला भी नहीं करना है, नॉर्मल कलर का रखना है इसको। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़्यादा भी नहीं डालना है, ये तो बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा, और सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, ये डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा लाल मिर्च, क्योंकि मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो इसलिए, और बहुत सारा धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये सब डालने के बाद इसको भी अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और तो गाइस मसाला अच्छे से भुज गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये कल की बची हुई राइस, और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये देखो गाइस कितना अच्छा कलर आया राइस का, अब हम इसमें डाल देंगे गार्निशिंग के लिए धनिया, और बस 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा भून लेंगे। गाइज़ ये हमारा रेडी है मसाला पुलाव, बोल सकते हैं आप इसको। हाय गाइज़ वेलकम बैक। तो गाइज अब जाके 11 बजे लाइट आई है, 5 घंटे से लाइट नहीं थी, और बीच में आई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने फटाफट खाना बना दिया है। तो दिन का राइस बचा हुआ था, तो उसी का फ्राइड राइस टाइप का बनाया है, तो आप रेसिपी चेक कर लेना, मैं डाल दूँगी। और बहुत ही बेसिक था क्योंकि लाइट भी नहीं थी, और जल्दी जल्दी बनाना था, और लेट भी हो गया था काफ़ी। तो बस हम लोग अब डिनर विनर करके बैठे हैं, और लाइट आ तो गई है, बट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन और ये सारी चीज़ें हो रही है, वोल्टेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फ़ैन वगैरह ठीक से चल नहीं रहा है, तो अभी भी हम लोग वेट ही कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कोई सीरीज़, या फिर देखते हैं क्या करते हैं।